सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू को 31 जुलाई को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। जी हाँ, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके अलावा पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी ने दिल्ली में 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग बुलाई है। जेडीयू में बदलाव की हलचल तभी शुरू हो गई थी जब केंद्र सरकार में जेडीयू के शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए थे। उसके बाद एक व्यक्ति एक पद का हवाला देकर के पार्टी में नए अध्यक्ष की भी तलाश शुरू हो गई थी। सूत्रों के अनुसार आरसीपी सिंह अगर अपने पद से हटते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा इस पद की होड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय किया था, यानी कि जेडीयू में वो मिल चुके थे। अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हिचकिचाहट भी है। क्यों है? हालांकि जेडीयू में एक वर्ग है जिसका मानना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का शीर्ष पद दिया जाता है तो पुराने नेताओं के बीच संदेश मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। पिछले साल 27 दिसंबर को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आरसीपी सिंह इस पद पर नियुक्त हुए थे। तब नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन की भी जिम्मेदारी ली और कहा कि वो सीएम की भी जिम्मेदारी के कारण पार्टी पर अधिक फोकस नहीं कर पा रहे थे। वही 31 जुलाई यानी कि दो दिन के बाद की बात करें तो दिल्ली में होने वाली मीटिंग में नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग को और प्रमुखता से उठा सकते हैं। इसके लिए वो पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव भी पास करेंगे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली से जातीय जनगणना की मांग कर बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकते हैं। दो दिन पहले नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा था कि पार्टी का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बार जनगणना में जाति जनगणना जो है वो शामिल नहीं होगी। इसको लेकर की तमाम, आप देखिए बिहार में काफी आवाजें भी उठने लगी थी, सत्ता पक्ष विपक्ष सब जो है इसको लेकर के एकमत हो गए थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।